उस्ताद नोमान अली खान साहब इन पंजाबी यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान, इधर नहीं। एंड देखते हैं कि उनका जो ये बयान है माशाल्लाह बहुत बढ़िया बयान होगा। हमने उनकी कुरान मतलब रमज़ान सीरीज़ देखी थी ना हमने उनकी, ओए होय होय भाई, मेरा मन कर रहा है दोबारा देखो, कसम से कह रहा हूँ। मैं भूल चुका हूँ, अभी धुंधली हो चुकी है वो, उस टाइम पर इतना इल्म नहीं था भाई, सच कह रहा हूँ यार, मेरा मन कर रहा है ऐसा। आप बताओ, आपने देखी है क्या उनकी कुरान सीरीज भाई, रमज़ान सीरीज, ज़बरदस्त सच में। इतनी नॉलेज, इतना ज़्यादा, उस टाइम पे इतना इल्म भी नहीं था नहीं हमें, था। है ना, नहीं था हमें इतना समझ, बट इतना सुकून मिलता था सच भाई में। सुन के, कुछ बोलो ही मत, छोड़ो। देखते हैं अभी ये वीडियो, लेट्स स्टार्ट दिस दिस वीडियो। मैं जब न्यूयॉर्क गया था ना हाई स्कूल के दिनों में, तो यहाँ मैं पाकिस्तान से गया था एक साल पढ़ के, ये इनकी आठवीं स्टोरी जमात सुनी थी ना करके। हमने। आठवीं जमात में हमारी यूनिफॉर्म होती थी, आपको पता है, ठीक है ना। मैं न्यूयॉर्क में गया हूँ पब्लिक हाई स्कूल में, पब्लिक हाई स्कूल में न्यूयॉर्क यूनिफॉर्म नहीं होती, लगता है आप ट्रेन स्टेशन में बैठे हुए हो, क्लास में बैठे हुए ना, वो बस स्टेशन है। और मैं पहले दिन मैं क्लास में बैठा हूँ, तो एक लड़का जो है उसके जूते डेस्क के ऊपर है, दूसरा च्यूइंगम चबा रहा है, तीसरा किसी लड़की से बात कर रहा है, चौथा चाकू लेके डेस्क के ऊपर अपना नाम कार्व कर रहा है। आठवीं मैं ये क्लासरूम है, मैं कहीं और आ गया हूँ, ये थाना है, ये क्लास है, और टीचर बात कर रहा है, कुछ सुन ही नहीं रहा, और टीचर बात कर रहा है, बायोलॉजी की क्लास थी मुझे अभी तक याद है, ऑस्मोसिस की बात कर रही थी टीचर, और मैं यहाँ से ऑस्मोसिस का रट्टा लगा के गया था, यू नो, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो टीचर ने सवाल पूछा, हु नोज एनीथिंग अबाउट ऑस्मोसिस, किसी को पता है ऑस्मोसिस के बारे में? कोई सुन ही नहीं रहा उसकी बात, कुछ तो मुंह दूसरी तरफ किए हुए बैठे हुए। और मैं, क्योंकि यहाँ की मेरी तरबियत थी, मैंने क्या किया, और फिर टीचर ने मुझे पिक किया। यहाँ पे हमारी क्या ट्रेनिंग है, जब आपको टीचर पिक करता है आप क्या करते हो, खड़े होते हो, खड़े होके मिलिट्री स्टाइल, यस मैम, एंड गैस इज मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो वो मैंने किया, सॉरी क्लास हंस हंस के मर गई। एक कहता है गुड ही स्पीक्स इंग्लिश, वो गिरते, उनको उनकी हंसी नहीं रोक रही, और टीचर भी अपनी हंसी रोक के, थैंक यू मिस्टर खान, हैव अ सीट, यू डोंट हैव टू स्टैंड अप। तो पहले मुझे लगा इन लोगों के पास तो बहुत आज़ादी है, इनके पास आज़ादी है कि जैसे चाहे बिहेव करें, जो चाहे करें, टीचर भी कुछ नहीं कहते, वो तो गालियाँ देते थे, मेरी इंग्लिश वोकैबुलरी नहीं थी, मुझे भी पता गालियाँ दे रहे हैं, ऐसा भी था। एक दफ़ा तो मैं हाई स्कूल में ना, मुझे यहाँ पे क्या होता है, हमारे स्कूलों में जो क्लास ख़त्म होती है ना, तो टीचर नए आते हैं, आप उसी क्लास में बैठे हैं तो टीचर नए नए आते रहते हैं। अमेरिका में क्या होता है, 4-5 हज़ार बच्चों का स्कूल है, जब बेल बजती है ना, आपने एक क्लास से दूसरी क्लास तक पहुंचना है, टीचर एक ही जगह रहता है, क्लास बदलती रहती है, आपको मूव करना होता है। तो पहले दिन मुझे समझ नहीं आया ये नक्शा क्या है, कहाँ पहुंचना है, तो मैं कैफेटेरिया में पहुंच गया, सारी कैफेटेरिया खाली थी। एक लड़का मेरे पास आया चाकू लेके, लेकिन चाकू उसने दिखाया नहीं पहले, कहते गिव मी योर जैकेट, मैंने कहा इट इज़ लेदर। पर वो कुछ तेजी से इंग्लिश बोले जाए, जैकेट जैकेट जैकेट, मैंने कहा आई नो इट वेरी नाइस ब्लैक, मुझे नहीं पता वो मुझे रॉब कर रहा है, रॉब कर रहा है। और पीछे से प्रिंसिपल आ गया दूर से ना, तो वो भाग गया, बच गए। फिर मुझे नजर आया उसका चाकू, मैंने कहा ओह चलो अच्छा वो इंग्लिश नहीं आती थी, नहीं तो दे देना था जैकेट। लेकिन खैर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पहले मैंने सोचा लोगों के पास इतनी आज़ादी है, जो हरकतें करना चाहें करें, जो कहना चाहें करें, जिस तरह जिंदगी गुजारना चाहें गुजारे। मैं यहाँ से आ रहा हूँ, यहाँ पर पेरेंट्स के सामने आपको बात करने की कोई आज़ादी नहीं है, टीचर्स के सामने एक रिस्ट्रिक्शन है, सोसाइटी में एक रिस्ट्रिक्शन है, रिस्ट्रिक्शन रिस्ट्रिक्शन रिस्ट्रिक्शन, और वहाँ पागलों वाली आज़ादी, खुला जंगल। लेकिन कुछ देर बाद मुझे एक बात समझ आनी शुरू हुई, अगर मैं उनकी तरह इंग्लिश ना बोलता ना तो वो मेरा मजाक उड़ाते, उनकी तरह कपड़े ना पहनता तो मुझे बुली करते, और स्कूल में भी ना कुछ गैंग्स थे, कुछ ग्रुप्स थे, हिप हॉप वाले लड़के एक जैसे कपड़े पहनते थे, गॉथ म्यूज़िक वाले एक और थे, हैवी मेटल वाले एक और थे, वो ये सारे ग्रुप्स थे, और हर ग्रुप की इस तरह समझ लो, पहले लगता था इनकी यूनिफॉर्म नहीं है, लेकिन असल में यूनिफॉर्म थी। उनकी जीन्स इस तरह की होती हैं, उनकी शर्ट्स इस तरह की होती है, उनकी हैट्स इस तरह की होती हैं, इनके कपड़े, इनकी म्यूज़िक ऐसी होती है, उनकी म्यूज़िक ऐसी होती है, उनकी म्यूज़िक ऐसी होती है, ये लोग इस तरह से बोलते हैं, वो लोग उस तरह से बोलते हैं, उनमें फ़र्क था, यहाँ तक कि हेयर स्टाइल्स में भी यूनिफॉर्म थी, हेयर स्टाइल्स के अंदर भी होता है भाई। मुझे अंदाजा हुआ कि जिस चीज़ को हम आज़ादी समझते हैं ना,
हम कहते हैं हमें आज़ादी चाहिए, वो भी बहुत बड़ी गुलामी है, बहुत बड़ी गुलामी है। और इनमें से कोई भी आज़ाद नहीं है, वो दूसरों के अपने ग्रुप में फिट होने के लिए वो अपने आप को बदल के उसमें फिट कर रहा है अपने आप को। आप यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ कहते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे कंजर्वेटिव हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे लिबरल हैं, बेवकूफ़ी है। जो लिबरल यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स मुझे मिले हैं वो कहते हैं हमारे स्कूल में प्रेशर बहुत है, सारी जो हैं लड़की मेरी सहेलियाँ ये करती हैं, वो इस कॉन्सर्ट में जा रही हैं, तो बुरा मुझे बहुत प्रेशर होता है कि मैं भी जाऊँ। इसको आज़ादी कहते हैं? आज़ादी होती है कि मैं जो चॉइस करना चाहूँ करूँ, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, राइट। लेकिन हमने जिस चीज़ को आज़ादी भी कहा हुआ है उसके अंदर भी प्रेशर है, देख लो उसके अंदर भी प्रेशर। क्या दिमाग लगा है, ने क्या किया? सच में। जब तुम मेरी गुलामी मान लोगे ना तो तुम लोगों के ओपिनियन से फ्री हो जाओगे। लोग कहते हैं इतना पैसा बनाओ, मुझे कोई फिक्र नहीं, मैं जो मुझे सही लगेगा, मेरा ज़मीर जो मुझे कहेगा, जिससे मेरा रब राजी है, वो मेरे लिए काफ़ी है। कपड़े ऐसे पहनो, ये करो वो करो, ये ना करो वो ना करो, उसमें मुझे किसी और के स्टैंडर्ड को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे रब ने मुझे एक और बिल्कुल ही आज़ाद स्टैंडर्ड दे दिया है, वो खुश है तो बाकी सब ना खुश हो मुझे कोई फिक्र नहीं रही, उनका मेरे बारे में ओपिनियन क्या है मुझे उसकी फिक्र नहीं रही। हम पाकिस्तान में 14 अगस्त को आज़ादी मनाते हैं, लेकिन आप आज़ादी मनाने वाले लोग अगर ज़हनी तौर पर अभी तक ग़ुलाम हैं ना, या फैशन के, या ख़ानदानी तकाज़ों के, या कल्चर के, या यू नो, हमारे जो गलत किस्म के कोई स्टैंडर्ड्स बने हुए उनके, यू नो, एक दूसरे से मुकाबला करने में, अलहाकुम उत्तकाफ़ुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, तो इस चीज़ से आज़ादी दिलाने के लिए असल में हमारा दीन आया है। And that is real freedom. I felt real freedom. We can discuss freedom in philosophical terms, or you can discuss freedom in reality. I felt freedom when I came towards Islam. पहले होता था, मैं कपड़े पहनने लगूँ तो मैं सोचता था लोग मुझे देख के क्या कहेंगे, ख्याल आता था ऐसे बात करूँगा तो कोई क्या कहेगा। कोई दाढ़ी रखने से पहले भी, before I had a beard, यार पता नहीं लोग कैसे देखेंगे मुझे, हज़ार ख्याल आते हैं लोगों के बारे में। लोगों की राय की गुलामी में रहना पड़ता है, लोगों की राय की गुलामी में। अल्लाह ने उससे आज़ाद कर दिया इंसान को। देख लो भाई, माशाल्लाह भाई, व्हाट अ वीडियो यार, व्हाट अ वीडियो। क्या समझाते हैं यार नुमान अली खान साहब, बट थोड़ा थोड़ा इंग्लिश बोलते हैं ना वो, इनकी ना ज़्यादातर वीडियो अंग्रेज़ी होती हैं, पर उर्दू वाली भी कभी कभी मस्त एक साल में एक बार निकाल देते हैं, हम लोगों का, हम गरीबों का भला कर देते हैं भाई, कसम से यार। सच में मेरे को, अगर किसी ने देखी हमारे साथ एक साल पहले तो बताइएगा ज़रूर यार, है ना। मैं सच में सोच रहा हूँ इंशाल्लाह ज़रूर हम लेके आएंगे, इंशाल्लाह ज़रूर लेके आएंगे दोबारा से, एंड उस पर हम आपके साथ शेयर करेंगे यार, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। उनके समझाने का तरीका बहुत निराला अंदाज़ है भाई, अलग ही निराला, प्यार से दिल में घुस के डायरेक्ट समझाते हैं वो, मज़ा आ जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।